रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग जैसी लाइट डिटेक्शन टेक्निक व उनकी उपयोगिता, संयोगिता एवं आज के जमाने की संयुक्तता, इन विषयों पर आईपीएस अधिकारी नीलेश भन्ने, इन्होंने पीएचडी पूरी की है। 5 मई 2010 के श्रीमती सेल्फी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट के बाद पॉलीग्राफी करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। मानव अधिकार के चलते पुलिस विभाग को ऐसे पद्धति को योग्य और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। यह एक एक्सपर्ट एडवांस के तौर पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन कोर्ट द्वारा ग्राह्य समझा जाता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी इस विषय में पीएचडी करने की वजह से पुलिसिंग क्राइम डिटेक्शन में नीलेश भन्ने इन्हें निश्चित ही फायदा होगा और हाई प्रोफाइल केसेस, आर्थिक गुना, व्हाइट कॉलर क्राइम, सेंसिटिव क्राइम, इन गुनाह में इस पद्धति का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फायदा होगा। गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इस बारे में देश में सबसे आगे है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी इस विषय में पीएचडी करने वाले वे एकमेव आईपीएस अधिकारी है। यह पीएचडी पूरी करने के लिए उन्हें 5 साल का वक्त लगा है। इस कार्य में उन्हें गाइड करने के लिए श्रीमती वाया एक्स डायरेक्टर गुजरात फॉरेंसिक लेबोरेटरी व को गाइड श्रीमती आशा श्रीवास्तव डायरेक्टर सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी सीबीआई नई दिल्ली थी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी यह एकमेव इंटरनल सिक्योरिटी व नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज।